अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 साल की बच्ची का डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जो कि कपड़ा मैंने लिया है। ये चेक प्रिंट का कपड़ा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बॉडी कट की है, फ्रंट के लिए भी हैं और बैक के लिए भी। तो 14 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और 13 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है, ठीक है, सिलाई की मार्जिन के साथ है। और अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है, सेंटर पर। यहाँ पर हमने की चौड़ाई लेंगे तकरीबन 2 इंच, ठीक है, और बैक नेक की लंबाई लेंगे 3 इंच और फ्रंट नेक की लंबाई लेंगे 4 इंच, ठीक है। अब हमने इसको इस तरह से गोलाई में मिलाना है। और यहाँ पर शोल्डर हम लेंगे तकरीबन 3 इंच और आर्म होल की गहराई लेंगे तकरीबन 5 इंच। हमने इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह से मिलाना है और यहाँ पर गोलाई और ये बैक और ये फ्रंट आर्म होल और शोल्डर यहाँ पर हम थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे, ठीक है। देखिए हमने मार्किंग कर ली है, अब इस मार्क के ऊपर कट कर लेना है। सबसे पहले हमने बैक बॉडी कट करनी है, उसके बाद जो है फ्रंट बॉडी की कटिंग करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर से खोलना है और फ्रंट और बैक को फिर से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बटन होल की कटिंग करनी है। यहाँ पर फ्रंट नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए बॉडी हमारी कट हो चुकी है, अब हमने इसके बॉटम का पट कट कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से ये डबल फोल्ड करके कपड़ा लिया हुआ है इस तरह से, और अब बिल्कुल इसको सेंटर पर से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह से, अब हमने यहाँ पर मार्किंग करनी है कॉर्नर पर। इस तरह से इटची टेप को कॉर्नर पे रखना है और यहाँ पर इस तरह से 18 इंच पे मार्क करते जाना है आपने, ठीक है। देखिए अब इस निशान को इस तरह से मिलाना है। और यहाँ पर हमने इसके कॉर्नर पे भी इसी तरह से गोलाई की शेप में 3 इंच पे मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इस मार्क को मार्क के ऊपर कट कर लेंगे इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से हमारे बॉटम का पट कट हो चुका है। यहाँ पर हमने सेंटर पर से कॉल लेना है इसको, ठीक है। और अब हमने इसके स्लीव की कटिंग करनी है। देखिए स्लीव के लिए यहाँ पर हमने कपड़ा लिया हुआ है, ये इस तरह से फोर फोल्ड में है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच, ठीक है। और 2 इंच जो है हमने इसमें कफ ऐड करने हैं, ठीक है। तो टोटल जो है वो हमारा 12 इंच हमने इसकी लंबाई लेनी है, ठीक है। अगर आप कफ ऐड नहीं करना चाहते तो 12 इंच लीजिएगा। और यहाँ पर अब हमने इस तरह से गोलाई में हमने सिर्फ इसको कट कर लेना है, बाकी हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने इस तरह से इसमें चुनौती डाल ली है, ठीक है। और बाद में जो है यहाँ पर कफ फिट करने हैं। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बॉडी पर ये इस तरह से प्रिंसेस कट में डिज़ाइनिंग बनानी है। और यहाँ पर हमने इस तरह से 4 इंच पर आर्म होल से यहाँ पर ये इस तरह से गुलाई की शेप में जो है लाइन ड्रॉ कर ली है पेंसिल से, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने ये वाइट कलर की तिरछी पट्टी कट की हुई है, इसको इस तरह से बारीक सा फोल्ड कर लेना है, ठीक है। और यूँ इसके ऊपर इसी शेप में जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है इसी शेप में इस तरह से लगाना है, ठीक है। इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पाइपिंग भी इस तरह से अटैच कर ली है। और यहाँ पर सेंटर में बॉबी लगा लिया है। और ये बैक बॉडी भी इस तरह से बटन होल इसका रेडी कर लिया है, ठीक है। अब हमने इसके शोल्डर की ज्वाइनिंग करनी है और इसके बाद जो है राउंड में नेक पे पाइपिंग लगानी है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बॉडी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने नेक पर पाइपिंग लगा ली है और हमने स्लीव भी इस तरह से ज्वाइन कर लिए हैं। यहाँ पर पहले इसको स्टिच कर लिया है, उसके बाद जो है इस तरह से इसमें चुनौती लगा ली है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमने कफ कट किए हैं जो कि इसमें गुम सिलाई में हमने लगाने हैं, ठीक है। फ्रेंड, इस तरह से हमारे दोनों स्लीव जो है वो अटैच हो चुके हैं बॉडी के साथ, ये आप देख सकते हैं। और अब हमने दोनों साइड की फिटिंग करनी है बॉडी की, ठीक है। और उसके बाद जो है बॉटम का पार्ट अटैच कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो कुली वाली साइड है इसको हम बैक में बटन होल के नीचे स्टिच करेंगे, बिल्कुल बटन होल को फेस करते हो, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे बॉटम का पार्ट अटैच हो चुका है। और यहाँ पर हमने एक पॉकेट अटैच करना है, ठीक है, साइड पर यहाँ पर। और इसके ऊपर ये बेल्ट अटैच कर लेंगे आयरन से, ठीक है। नीचे बॉर्डर की फोल्डिंग कर लेंगे सिंपली जो है, या फिर इसको पाइपिंग लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।